नमस्कार दोस्तों, ये जो हमारा ये पंप होता है इसका ये जो कट वाला मसला आ रहा था, तो मैंने इसके लिए आपको एक आसान तरीका बताऊंगा कि जिससे ये जो कट का है ये सारा मसला ही ख़त्म हो जाएगा। जो कट का मसला है ये मैं ख़त्म करने वाला हूँ दोस्तों। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये पंप आराम से इसके बाद तुम आप सेट कर सकते हो। शायद ये ट्रिक मैंने कभी भी नहीं बताई थी, काफ़ी कमेंट आ रही थी इसीलिए मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसको पंप फिर सेट करते हैं। तो पंप का एक रॉड होता है, शायद आप यहाँ देख सकते हो, वो फंसने ये वाला जो रॉड होता है इसमें फंसता है ये पंप का कट। तो इसको आपको आराम से सेट करना है, देख लेना है। इसके बाद जैसे आप लगा लेते हो तो उसके बाद आप एक बार चेक ज़रूर कर लिया करो, पीछे से आपको आराम से दिख जाएगा कि हमारा जो कट है ये सही है कि नहीं। और दोस्तों इसकी मैंने इंटरनल जो साउंड होती है वो काम है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, आवाज़ सही नहीं है। तो इसके बाद डिलीवरी वायर डाल देनी है, और डिलीवरी वायर डालने के बाद आपको इसके में स्प्रिंग ध्यान से देख लेनी है, स्प्रिंग है कि नहीं, और इसके बाद आपको ये वाला सिस्टम टाइट कर देना है। और दोस्तों अच्छे से टाइट करिए, और इसके बाद आपको फिर मैं दिखाता हूँ आगे आपको क्या करना है। और दोस्तों मैंने पंप की वीडियो भी कई सारी बना रखी हैं, पर इसमें जो मैंने बात बताई है वो अलग है, क्योंकि पहले उसमें तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता था, पर वो जो मैंने ट्रिक बताई थी वो सभी इंजनों में काम करती है। और जो ये मैं पंप सेट कर रहा हूँ ये सिर्फ मतलब 8 HP तक ही सीमित रहेगा। तो देखिए इसमें एक रॉड में भी कट होता है आपको पता ही है, और इसके बाद इसमें गलारी में भी गियर जो बोलते हैं आप क्या बोलते हैं पता नहीं, इसमें भी आपको कट मिल जाएगा। इसके बाद आपको आराम से सेट कर देना है, और इसके बाद देख लेना है कि दांते बराबर होने चाहिए। इसके बाद स्प्रिंग सीट होती है जो, इसको डाल देना है आपको। इसके बाद स्प्रिंग, और अब मेन चीज़ है आपको देखना है, समझना है कि इसका कट जो है ये कैसे डाल रहा हूँ मैं। तो देखिए ये जो रॉड को बीचों बीच कर लेना है, रॉड को आप ना तो इस तरफ जाए ना उस तरफ जाए, बीचों बीच कर लेना। उससे कोई मतलब नहीं कितना आप बीच करते हैं, पर मतलब हल्का बीचों बीच कर लीजिए कि जो गलारी है मतलब हल्का, ज़्यादा नहीं, मतलब इसमें कोई निशान नहीं है। तो अब देखो इसमें क्या है कि अब देखो ये जो कट है और ये जो इसका कट देख रहे हैं आप, इस तरफ रहेगा ये जो कट है ये इस तरफ रहेगा, ध्यान से। और इसके बाद जो इसका प्लंजर का नट है, प्लंजर है उसका कट और गियर के कट में सेट हो जाएगा, और इसके बाद आपको आराम से सेट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर बहुत सा मसला आ रहा था ना कट वाला, तो ये सारी समस्याएं ख़त्म हो गई आपकी, आप समझ गए हैं कि आपको कट किस तरफ रखना है। और इसके बाद आपको इसको लॉक लगा देना है, और लॉक जब ही लगेगा जब उसमें गियर में पंप प्लंजर की जो सिलाई होती है वो सेट हो जाएगी, तभी गियर ये जो लॉक है वो लगता है, नहीं तो गियर लॉक लगता नहीं। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि न्यू वीडियो आपको मिल सके।